तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोग जो हाईली डिमांड कर दिए थे टॉपिक अशुद्धि संशोधन, उसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। अशुद्धि संशोधन, इसको वाक्य संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आता है और उसी में से आपको अशुद्धि खोज के बताना रहता है। तो बाबू, एक बात जान लो कि यह टॉपिक कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा नहीं, ना स्कूल में पढ़ाएगा ना ट्यूशन में पढ़ाएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है पूरा नाइन्थ वाला ही उठ के आ गया है। ठीक, अगर नाइन्थ में जो बच्चा अच्छा से विभक्ति उपभक्ति याद किया होगा उसको ही पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो याद नहीं किए होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाइए और एक एक अशुद्धि आपसे बन जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इंग्लिश में एक शब्द हम लिखते हैं, यहाँ पे आप पकड़िएगा जरूर, आई नेम इज आयुष। क्या लिखें? आई नेम इज आयुष। अब बाबू, जैसे ही हम कहेंगे आई नेम इज आयुष, आप तुरंत कह दीजिएगा कि सर आपको आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आप लिखेंगे माई नेम इज आयुष। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह शुद्ध नहीं था, यह अशुद्ध था। शुद्ध क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। उसी तरह आप अपने बाबू सोना को अगर कहते हैं माई लव यू, क्या कहते हैं? माई लव यू। बाबू एक चाटी मारेगी और कहेगी, आपको तो छोड़ के चली जाएगी, कहेगी बाबू तुमको इंग्लिश नहीं आता है, यहाँ पे होगा आई लव यू। तो इसका क्या मतलब पता चला? हम तुरंत पकड़ लिए कि अशुद्धि यहाँ पे था और इंग्लिश में हम तुरंत चेंज कर दिए। सेम ऐसा ही सिचुएशन हिंदी में होता है। हिंदी में कैसे? अगर मैं बोलूँ राम आम जाता है, आम जाता है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि सर ये जाता है, यहाँ पे क्या होगा? खाता है। तो सर इससे अच्छा तो हिंदी ले लिए रहते। अरे हिंदी नहीं, संस्कृत लिए, बहुत शुक्र मनाइए, बहुत मार्क्स मिलेगा। तो उसी तरह संस्कृत में भी होता है अशुद्धि संशोधन, जो हम लोग वाक्य में देख के करते हैं। ठीक, अब चलिए आपको क्या क्या याद करना है, कैसे कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। और बता दें, जो बच्चा अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाके संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे मैं पर्सनली आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ और टर्म वन की पूरी तैयारी पर्सनली करवा देता हूँ आपका, अलग प्लानिंग बना के, अलग टाइम बना के। ठीक, और प्रो बैच का ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। अब चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि अशुद्धि संशोधन कहते किसे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चाट हम आपको दे रहे हैं। चाट मतलब उस समोसा भुरकुर के, उसमें छोला वोला डाल वाला चाट नहीं, रोड रास्ता वाला। यह है चाट, मतलब कि तालिका। क्या? तालिका। अब बाबू देखिए, आपको करना पड़ेगा ये तालिका याद, तभी यह संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में आपसे बनेगा। सर ऐसे देखें तो हम तो डराइएगा, सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब बता रहे। देखिए, एक यह याद करना है, एक यह याद करना है, एक यह याद करना है, और आपको एक दो यह याद करना है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके समझाते हैं और याद कैसे करना है सो बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, यह है पुलिंग, पुलिंग मतलब मेल। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर लिखा है वचन, अभी सिर्फ समझिए। ठीक, वचन, यहाँ पे लिखा है अर्थ और यहाँ पे लिखा है क्रियापद। वचन किसे कहते हैं सो समझिए। वचन मतलब जिससे किसी शब्द के होने का बोध हो, जैसे अगर एक व्यक्ति है तो एक वचन, दो व्यक्ति है तो दुई वचन, दो से अधिक है तीन है, चार है पाँच है तो बहुवचन। ठीक, वही वचन लिखा है, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। उसके बाद यहाँ पे कर्ता पद पुलिंग लिखा हुआ है, पुलिंग मतलब मेल लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे कि चार्ट का आप लोग इस्तेमाल कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद इधर क्रियापद लिखा हुआ है, क्रियापद का मतलब होता है कि जो काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे पठती यानी पढ़ने का काम, तो वही क्रियापद लिखा हुआ है। ठीक, यह समझ गए। अब याद कैसे करना है सो समझिए। आपको याद करना है एक वचन पुलिंग में, यहाँ पे देखिए क्या याद करना है, एक वचन पुलिंग में स बालक भवान राम अयम, यह आता है। और स का अर्थ होता है वह हिंदी में, बालक का अर्थ होता है लड़का, भवान का अर्थ होता है आप, राम का अर्थ होता है रामा, राम का अर्थ होता है राम, अयम का अर्थ होता है ई, यह। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको इसी तरह याद रखना है कि एक वचन पुलिंग में स बालक भवान राम अयम आता है, यानी जहाँ जहाँ यह लिखा रहेगा स बालक भवान राम अयम, तो हम समझ जाएंगे एक वचन पुलिंग है। और उसमें कौन सा क्रियापद लगा देंगे? ती क्रियापद लगाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए पठती, गछती, अलिखती, यह सब। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए दुई वचन, अब याद रखिए दुई वचन पुलिंग में, क्या याद रखना है, दुई वचन पुलिंग में
तव आता है, तव का मतलब वे, बालकों का मतलब दोनों, भवंतों का मतलब क्या, यहाँ पे आप दोनों, रामों का मतलब दो राम, इमो का मतलब यह दोनों। और इसमें जो धातु का प्रयोग होता है वह होता है तह धातु, ठीक है। क्रियापद क्या होता है, तह, जैसे पठत, लिखत, गछत, ठीक, यह आप समझ गए। उसी तरह बहुवचन, बहुवचन में ते का मतलब हुए, बालका का मतलब बहुत सारे लड़के, भवंता का मतलब आप लोग, रामा का मतलब बहुत सारे राम, इमय का मतलब यह सब। इसमें क्या प्रयोग होता है, अंति का प्रयोग होता है, जैसे पठंती, तो आप सर पूछेंगे सर ये तो नीति यहाँ पे दिख गया सर, अ नहीं है, तो ठए में अ है, ठए में अ है, तो क्या हो जाएगा, पठंती, गछंती, इसी तरह से स्टूडेंट लिखंती, यह सब होगा। तो आपको याद कैसे रखना है, तो उसका ट्रिक जान लीजिए। बस आपको याद रखना है कि एक वचन पुलिंग में स बालका भवान राम अयम यह आता है, इसमें ती लगता है। दुई वचन में त बालका भवंत राम ही आता है, इसमें त लगता है। इसी तरह यह आपको हमने बताया, पुलिंग का बताया। उसके बाद यह जो दूसरा आप चार्ट देख रहे हैं, यह है स्त्रीलिंग का। किसका, स्त्रीलिंग का। अब लड़का के लिए बालका यूज करेंगे तो लड़की के लिए भी बालका यूज करेंगे, नहीं ना, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बालिका, तो स्त्रीलिंग का भी चार्ट है, ठीक है। जैसे हर एक बाबू सोना को इम्प्रेस करने के लिए आप लोग हर एक तरह के चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कोई बाबू अगर रोडे वाला चार्ट से हो गई सेट तो उसको उधरे से ले गए, कोई अगर मान लो जो हाई फाई होटल में जाने के बाद सेट हो तो वहाँ ले जाएंगे, तो उसी तरह। अब देखिए स्त्रीलिंग में क्या है, सो समझने की कोशिश कीजिए। स्त्रीलिंग में भी आपको इसी तरह याद रखना है कि एक वचन में सा, बालिके, भवती, लता आता है, और इसमें धातु क्या चलता है, ती, पटती, गजती, लिखती। असर हिंदी में क्या क्या दे दिए, तो इस सा का मतलब वह, बालिका का मतलब लड़की, भवती का मतलब आप, लता का मतलब लता। उसी तरह आपको द्वि वचन में याद कर लेना है, बहुवचन में याद कर लेना है। और उसके बाद है नपुंसक लिंग, मतलब न लड़का न लड़की, तो उसमें भी आपको याद करना है कि एक वचन में तत आता है, मित्रम आता है, फलम, इदम, यह सब आता है, ठीक। यह हो गया आपको प्रथम पुरुष का। सॉरी, प्रथम पुरुष समझा दीजिए क्या है, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, उत्तम पुरुष थर्ड पर्सन, वही है, पर्सन वाला खेल है। इंग्लिश में होगा तो संस्कृत में नहीं होगा, होगा, यह आपने याद कर लिया। अब देखिए मध्यम पुरुष का। अब प्रथम पुरुष में आपने क्या देखा है स्टूडेंट, यहाँ पे समझाते हैं, कहाँ समझा रहे थे, यहाँ प्रथम पुरुष में आपने देखा, ध्यान से देखिएगा, प्रथम पुरुष में आपने क्या देखा, प्रथम पुरुष में आपने देखा, सर देखे हैं बताइए ना जल्दी से, पुलिंग का अलग चार्ट, अलग तालिका, स्त्रीलिंग का अलग तालिका। अभी क्वेश्चन कराएंगे ना सब बन जाएगा। उसके बाद नपुंसक का अलग तालिका, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सबका नपुंसक, पुलिंग, स्त्रीलिंग सबका एक ही तालिका होता है। कैसे, तो एक वचन में त्वम का प्रयोग होता है, त्वम का मतलब होता है तुम, तू, तुमने, और इसमें धातु इस्तेमाल होता है सी धातु, एग्जाम्पल के तौर पे पट सी, लिख सी, गच सी, ठीक। पट सी वाला पट धातु मतलब काम करना, लिख सी मतलब लिखने वाला काम, गचती मतलब जाने आने का काम, और यह सब वाच्य में पढ़ाया, तो जिन बच्चों ने वाच्य नहीं देखा है वाच्य को भी देख लीजिएगा। द्वि वचन में युवाम होता है, यानी तुम दोनों, तुम दोनों ने, इसमें लगता है थ धातु, पठ, तह, लिख, तह। बहुवचन में क्या होता है, युवम होता है, यानी तुम लोग, तुम लोगों ने, तो इसमें थ धातु का प्रयोग होता है, जैसे पठत, लिखत, गचत, इसमें भी वही होता है। उसी तरह उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, यानी मैं, मैंने, ठीक, थर्ड पर्सन, आमी, पठामी, द्वि वचन आवाम, हम दोनों ने, आव, पठाव। बहुवचन वयम, वयम का मतलब होता है हम लोग या हम लोगों ने, आम, पठाम, गछाम, लिखाम, इसी टाइप से। तो यह हो गया स्टूडेंट चार। अब चलिए दो चार क्वेश्चन आपको कराते हैं और देखिए कैसे अशुद्धि संशोधन पकड़ेंगे। सर जल्दी जल्दी कराइए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, बोर्डे वाला क्वेश्चन सब रखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला एग्जाम हो रहा है तो ऑप्शन दे देगा, नहीं तो आपको खुद पकड़ना रहेगा। बालक ध्याने पठंती, बालक ध्याने पठंती। अब देखिए ऐसा ही रहता है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, कर दिया। अब कहेगा कि बाबू जरा यहाँ पे बता शुद्ध शुद्ध क्या होगा, तो जैसे ही यह क्वेश्चन आया सबका हवा गूम कि सर क्या होगा, अरे क्या होगा, पकड़ेंगे क्या होगा।
तो अब हम जान चुके हैं कि यह अशुद्धि वाला है, अशुद्धि वाला पोर्शन है। तो हमको तो बाबू यह पता है कि अशुद्धि संशोधन करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाक्य दिया हुआ है यह क्या है, यह शुद्ध वाक्य है, और अशुद्ध क्या है, यह इसमें अशुद्धि खोजना है। तो हमने क्या करना है, अब चार्ट को याद करके रखना है। अब देखिए चार्ट का इस्तेमाल यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा है पठंती, बाबू पठंती है, आ यहाँ पे लगा दिया है बाल का, तो अशुद्ध कहाँ कहाँ यहीं पे ना है, तो अशुद्ध जब यह है तो बाकी सब तो शुद्ध हुआ, तो यहाँ पे जब शुद्ध है तो यह लग गया बाल का, तो तुरंत यहाँ पे आएंगे कि बाल का क्या है, तो हमको तुरंत यहाँ पे सर अभी तो आप पढ़ाए हैं कि बालकह जो है सर एक वचन पुलिंग है, बालकह क्या है, एक वचन पुलिंग है, तो एक वचन पुलिंग में क्रियापद क्या रहता है सर, ती रहता है, ती रहता है, तो यहाँ पे क्रियापद क्या रहेगा, ती रहेगा, और दिया क्या है, अंति क्रियापद दिया है, देख रहे हैं अंति दिया है, उल्लू बना दिया, तो हम लोग क्या पकड़ लेंगे कि यहाँ क्या रहेगा, पठती रहेगा, समझ गए सर। एक बार और बता देते हैं, देखिए सब मिटा के देखिए कितना आसान था, बस चार्ट आपको याद रखना है, बस इतना ही कहेंगे, और हम संस्कृत पढ़ाते हैं तो आपको पूरा इजी करके बताते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है संस्कृत, सिर्फ दसवां के एग्जाम के वक्त आता है, और जो प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी तरह पर्सनली आपसे आपको पढ़ाने के लिए पर्सनली आपसे बात करेंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन देंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा कि बालकह ध्याने पठंती, संस्कृत नहीं आता है कोई मतलब नहीं, क्या है यहाँ पे पठंती है, तो यही ना अशुद्ध है, बाकी सब ये सब तो शुद्ध है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बालकह, तो हम तुरंत चार्ट से याद कर लेंगे कि सर बालकह लिखा हुआ है तो बालकह तो एक वचन पुलिंग है, तो यहाँ पे तो ती लगना चाहिए यानी पठती, तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत पकड़ लिए कि यहाँ पे क्या होगा, पठती होगा, ठीक है, क्या होगा, पठती होगा। मान लीजिए यहाँ पे पठती न देके गछंती दे देता या लिखती दे देता, लिखंती दे देता तो भी ऐसी पकड़ लेते, लिखंती तो बालकह लगा है तो हम तुरंत पकड़ लेंगे, देखिए बालकह लगा है तो तुरंत पकड़ लेंगे एक वचन पुलिंग, बालकह तो कौन सा धातु होता है, ती धातु, तो पठती तो एग्जाम्पल के रूप में है, उसी तरह गचती लिखती, तो हम समझ जाएंगे कि अंत में पकड़िए, अंति नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, लिखती, पकड़ लिए, इसी तरह रहेगा। अब देखिए आपको क्या एक और क्या क्वेश्चन दे सकता है, यह हो गया आपको क्रिया का क्वेश्चन, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे शुद्ध दे देगा, यहाँ पे क्या करेगा, शुद्ध दे देगा, शुद्ध मतलब राइट, यहाँ पे दे देगा आपको लिखती, और यहाँ पे लिखती देके यहाँ पे कह देगा आपको क्या कह देगा, यहाँ पे कह देगा बालकौ, बालकौ, और कहेगा यहाँ पे अशुद्ध है। अब कैसे बनाएंगे सर, तो यहाँ पे अशुद्ध है तो इसका मतलब यह रॉन्ग है और बाकी सेंटेंस तो राइट है, तो राइट है तो जब यहाँ पे लिखती है तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि लिखती सर है यानी ती धातु लगा है, तो ती धातु लगा है तो सर बालकन होगा, बालकौ थोड़ी होगा, क्योंकि बालकौ तो दुई वचन है, ती लगा है मतलब एक वचन, तो ती लग गया, देखिए ध्यान से क्या पकड़ लिए कि यहाँ पे ती लगा हुआ है मतलब यह एक वचन पुलिंग है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ उस वक्त से गला फाड़ फाड़ के कि आप पकड़िए एक वचन पुलिंग है, तो यहाँ पे बालकौ का मतलब तो दो लड़के होता है, क्या लगेगा, एक ही वचन लगेगा, बालकह लग जाएगा, तुरंत पकड़ लिए कि नहीं यहाँ बालकह लग गया, देखें कितना आसान है। अब चलिए आपको एक और कराते हैं, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, वयम पत्रम पठामी, और यहाँ पे अशुद्ध है, पकड़ना है। अब यहाँ पे अशुद्ध का यह मतलब है विद्यार्थियों कि बाकी सब शुद्ध है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वयम लिखा हुआ है, वयम इस टाइप से भी लिखा जाता है और इस टाइप से भी वयम को लिखा जाता है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, और ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है मतलब अंत में म हलंत लग सकता है, तो हम तुरंत खोजने आएंगे कि वयम कहाँ है, वयम कहाँ है, वयम कहाँ है रे तू वयम, तो आपको तुरंत बताएगा कि अरे भैया हम तो उत्तम पुरुष बहुवचन हैं, तो आप तुरंत पकड़ लिया अच्छा वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तब पठा यहाँ पे क्या होना चाहिए, पठामा होना चाहिए, पकड़ लिए सर, कैसे पकड़े बताइए ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पठामी, यह क्या है, अशुद्ध है,
अशुद्ध है, और यहाँ पे क्या है, वयम है, तो तुरंत ना पकड़ लेंगे कि वयम क्या है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष का क्या है, बहुवचन है, क्या लगेगा, आमह लगेगा, आमह यानी पठामह गच्छामह, तो यहाँ पे तो पठ धातु है तो पठामह लग जाएगा, तो यहाँ पे तुरंत पकड़ लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पठामह हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे पठामी ना देके गच्छामी देता, गच्छामी देता, तो आप लोग क्या पकड़ते, उसी तरह की वयम लगा है, वयम लगा है तो ये तो उत्तम पुरुष आमा हो जाएगा, तो यहाँ पे गच्छामी क्यों दे दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गच्छामा हो जाएगा। कैसे पकड़ लिए, अशुद्धि संशोधन जब हम क्लास 10 में पढ़े थे, इतना आसानी से अगर कोई हमको पढ़ाता तो हम तो और जल्दी सीख जाते। इतना आसानी से आपको टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे स्टूडेंट, दावा है मेरा, वो आएंगे सीधे बताएंगे गच्छामी है, एक वचन स्त्रीलिंग है, तो तुरंत यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, गच्छामा लग जाएगा। यहाँ पे हम पूरा पढ़ाते हैं क्योंकि हमको पता है, हम रिसर्च करके ना आते हैं, अभी हम पढ़ते हैं संधि सब पे रिसर्च करते हैं, इतना मोटा मोटा किताब है मेरे पास, हमको पता है कि आप क्लास 10 में सीधा आ जाते हैं पढ़ने, तो कुछ ऐसा पढ़ाया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगर एक क्वेश्चन और लिखा जाए, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, अगर एक क्वेश्चन मैं लिखूँ युवम, युवम को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जाता है, युवम फलम खादती, क्या होगा इसका संस्कृत, मतलब कोई मतलब नहीं है जी, कोई मतलब नहीं है, तुरंत देखिए खादसी लगा है, अशुद्ध है यहाँ है, युवम लगा है मतलब युवम तो शुद्ध है, तो तुरंत आइए चार्ट में युवम कहाँ है, युवम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो इसका क्रियापद क्या होना चाहिए, थ होना चाहिए, थ यानी पठत, पठ है तो पठत, गच है तो गचत, ठ थ थ, तो क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाद थ हो जाएगा, विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है, खाद थ हो जाएगा, पकड़ लिए। तो इसी को कहते हैं अशुद्धि संशोधन, यानी कि अशुद्ध को क्या करिए, शुद्ध करिए, ठीक है बाबू। तो यह अब कितना आसानी से बता दिए, मैं बता रहा हूँ ना, आपके क्लास टीचर होंगे संस्कृत के, वैसे पढ़ाएंगे कि युवम है, बहुवचन है, थ लग जाएगा, पठता हो गया, गचता हो गया, लेकिन हमने आपको पूरा चार्ट दे के अब बताया, और चार्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो भी टीचर वगैरह देख रहे हैं उनको बताया कि बच्चों को आप पहले यह चार्ट लिखा है और तब बताएं कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यह याद नहीं रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, सर यह याद कैसे होगा बताइए ना, लिखिए बाबू अपने याद होगा, जैसे हमको कैसे याद है, एक वचन पुलिंग सा बालक भवान राम होगा यम होगा, और हिंदी अर्थ भी नीचे दे दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, ठीक, और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिन बच्चों ने अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, टर्म वन की पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और कोई भी प्रो बैच से रिगार्डिंग क्वेरी हो, कमेंट हो, तो नीचे कमेंट में ही कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, और प्रो बैच की डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको अशुद्धि का दिया था क्वेश्चन, अब देख लीजिए वो कैसे फटाफट बन जाएगा, घबराइए नहीं, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा CBSE के बेस पे पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन CBSE का नहीं छूटेगा, और सैंपल पेपर को आप देखेंगे और सब्जेक्ट का हालत ख़राब होगा, लेकिन संस्कृत में बिल्कुल नहीं होगा, देखिए कैसे कैसे बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पठती, पठती में अशुद्धि है, क्या है, पठती में अशुद्धि, तो आगे क्या लगा हुआ है, त्वम, हम सीधा पकड़ लेंगे कहाँ, तो ये मध्यम पुरुष त्वम है, यहाँ पे सी लगना चाहिए, सी धातु, पट सी, लिख सी, गच सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पट सी हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए संति है, यानी अंत में अंति है, अंति वाला में आइए, यहाँ पे ये सब पढ़ा है, देखिए अंति तीन गो में है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा क्या है, आगे फल में अशुद्धि ढूंढना है, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि फल क्या चीज़ है, तो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग कैमा है फल, तो अंति है सर, तब तो बहुवचन है, तो क्या हो जाना चाहिए, फलानी हो जाना चाहिए, तो हम लोग क्या भर देंगे, फलानी भर देंगे, ठीक। उसी तरह गचती है, यहाँ पे गचती, गचती, गचती में अशुद्धि है, तौ लगा हुआ है, तुरंत पकड़िए तौ कहाँ है, सर हम पढ़े थे तौ जो है पुलिंग द्विवचन है, तो तौ में तह लगना चाहिए, पठ त, लिख त, लिखने का काम हो रहा है तो लिख त, जाने आने का तो गच त, पढ़ने का काम तो पठ त,
तह तह हो तो यहाँ पे क्या है गचती है तो गच तह हो जाएगा तो यह सही हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ गचती है क्या हो जाएगा गमिष्यति हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसानी से बन गया, इसी तरह शुद्धि संशोधन सब बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना कंटेंट बेस्ड पढ़ाई संस्कृत का आपको कोई नहीं कराएगा, पढ़ा रहे जिस तरह से पढ़ा रहे एकदम मजे में पढ़िए और हमको विश्वास है आप पढ़ रहे। देखिए कैसे बन गया शुद्धि संशोधन, बस इस चटवा को याद रखिएगा एकदम।